उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मकान का छज्जा गिरने से चार लोग घायल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मकान का छज्जा गिरने से उसके नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े चार मजदूर उसकी चपेट में आ गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में प्रमोद साकिर व दो अन्य हैं। पुलिस ठेकेदार से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरी गली नंबर 6 के पास शुक्रवार शाम एक निर्माणाधीन मकान के नीचे बारिश से बचने के लिए चार मजदूर खड़े हुए थे। अचानक बारिश के चलते मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया, जिसकी चपेट में चार मजदूर आ गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में प्रमोद व साकिर व दो अन्य हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सती जी, ये बताइए कि जो बिल्डिंग बन रही थी, इसके बारे में क्या कहिए? आपको कौन सा मकान था? मेरा पुराना वाला सर। पुराना वाला, नया मकान था ये जो बना रहा था? नया भाई था, मतलब भाई थे, भाई भाई डिवाइड हुआ है ना, आधा इसमें हुआ है हमारा। अच्छा, बारिश आ रही थी, बारिश के मकान बना रहे थे, तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, क्या खबर है? सर ये मुझे नहीं पता कितने लोग थे कितने नहीं, पर घायल तो एक ही सुनाया, अभी एक ही गया है। हाँ, तो बारिश के अंदर काम चल रहा था सर? अभी तो अभी भी गए थे, बाहर बैठे हुए थे, अभी तो यहीं पर बैठे हुए थे। तो कौन बना रहे थे मकान? सर ठेकेदार के थ्रू दे रखा है, मुझे नहीं पता कौन बना रहा था। और जो मालिक है इसके, वो कौन है? जी मुझे नाम भी नहीं पता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।